आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं, है ना। अब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं भोला, तो आपको कहाँ तक बता चुके हैं? 15 तक बता चुके हैं द्विवेदी, है ना बाबू। ठीक, मन से पढ़ना शुरू थी, इधर उधर नहीं करना है। अब 15 तक बता चुके हैं आदित्य स्वरूप। तो जिस जिस बच्चे का छूटा है, जिस जिस बच्चे का छूटा, उसको हम लोग फिर से रिवीजन करवा देते हैं। शांति से 20 मिनट सुनना है, आ जाएगा समझ में, है ना। शांति से 20 मिनट सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, इजी से भी आसान है ना। ठीक सर, देखो कैसे करोगे। तो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को वसुधा चेक करना है। कहाँ से चेक करना बाबू? 2 से लेकर 15 तक चेक करना। एक क्वेश्चन दिया भोला, और इस क्वेश्चन को चेक करना डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से? 2 से लेकर 15 तक। तो अब शांति से लवण्या सुनना है, बात को समझना है। आज क्लास बाबू, अच्छा तो सो के, अच्छा, ठीक है मैम। तैसे सो के भी पढ़ लेगा तो सुन लेगा तो ठीक है। आज अच्छा ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, तो देखो भोला क्या है। आपको बाबू क्वेश्चन दिया बाबू कि इसको चेक करोगे कहाँ से? 2 से लेकर 15 तक। तो जिस जिस बच्चे का थोड़ा सा बाबू भूल चुका है, उसको हम रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद टेस्ट वाला एक दो क्वेश्चन है, उसको करवा देंगे, है ना। फिर आपका चैप्टर खत्म। अब फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलसीएम तो सब बच्चा को बता दिए, बहुत सारा नहीं बच्चा जानता है। तो उसकी व्यवस्था 3.5 से किया गया, जो जो बच्चे जो टॉपिक छूटा गया है ना, तो उस बच्चे के लिए बाबू स्पेशल टाइम में आपको बुलाया ही जाता है, शाम को 3.5 से 4:30 या 4:15, जो भी रहे, 3:30 4:30 के आसपास में, है ना। तो वर्ड बाबू, ये पढ़ने से पहले बाबू आज का वर्ड क्या है भोला? तो कल आपको लिखाए थे भोला, क्या लिखाए थे? एक्सटिंक्ट लिखाए थे, है ना। जैसे बाबू हमारे पृथ्वी पर से भोला, है ना, डायनासोर था। तो डायनासोर क्या हो गया? विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। वो बहुत साल पहले अर्थ के सरफेस पे क्या थे? डायनासोर रहते थे, लेकिन वो समय के साथ बाबू क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो विलुप्त हो गया तो उसी को क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट कहेंगे। ये सब कहाँ आएगा बाबू? आपके साइंस के बुक में आएगा। उसी में बाबू बहुत सारे ऐसे स्पेसिस है भोला जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, है ना बाबू। बहुत सारे जैसे टाइगर वगैरह है, तो टाइगर का जो स्पेसिस है बाबू, जो जनसंख्या है, कम बच रहा है। कुछ साल के बाद टाइगर खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से। तो वैसे ही स्पेसिस को क्या कहते हैं? वल्नरेबल कहेंगे और इनडेंजर कहेंगे। क्या कहेंगे? इनडेंजर स्पेसिस कहेंगे और क्या कहेंगे? वल्नरेबल कहेंगे, वल्नरेबल कहेंगे, है ना। ठीक सर, मैं से खराउन करो। तो इनडेंजर मीन्स क्या होता है? संकटग्रस्त। अब सर हमारा तो हिंदीओ कमजोर है, संकटग्रस्त कहने का मतलब बाबू संकट मोचन हनुमान कैसे बाबू भोला है? नाम नहीं सुने बाबू? बजरंग बली, संकट मोचन बजरंग बली, कि नहीं। मतलब सारे दुख पीर दुख दर्द हर लेते हैं। तो संकट ग्रस्त मतलब वो बाबू की स्पेसिस क्या है? जो बाबू जिसकी संख्या घट रहा है, तो वो स्पेसिस क्या बाबू? विलुप्त होने के कगार, मतलब वो कुछ दिन कुछ साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही स्पेसिस को कहते हैं संकट ग्रस्त, जो बाबू सुरक्षित नहीं है। 5 साल 10 साल के बाद वो पृथ्वी के बाबू हट जाए, जैसे डायनासोर था ना जी, तो डायनासोर बाबू खत्म हो गया, डायनासोर हट गया, है ना। ठीक, तो वो विलुप्त हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षी वगैरह हैं भोला, जो कुछ साल के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसी सब के लिए हम लोग उसको बर्ड मीनिंग क्या कहेंगे? इन डेंजर कहेंगे और वल्नरेबल कहेंगे, वल्नरेबल कहेंगे, है ना। तो इन डेंजर मतलब संकटग्रस्त, तो जो बाबू है ना खत्म हो जाएगा, और सुरक्षित बाबू बहुत सारे स्पेसीज है भोला, एनिमल वगैरह है जो सुरक्षित नहीं है। बाबू गोली मार देता हाथी को, है ना बाबू। सिर्फ पोचिंग करते हो कि नहीं करते? शिकार करते ना बाबू। तो जंगल में गया आदमी सब बाबू, 4 को 5 को राइफल लेकर गया, उन्हें ढिसुम ढिसुम करके, है ना, हाथी को मार दिया। क्यों मारता है? क्योंकि बाबू उसका जो स्किन है, दांत है, वो कॉस्टली बिकता है ना। तो उसी को कहते हैं असुरक्षित, जो बाबू वल्नरेबल है, जो क्या? वल्नरेबल है ना। उसी को क्या कहेंगे ओमकार बाबू? असुरक्षित कहेंगे, है ना। ठीक बोला, समझते चलना। तो ये हो गया वर्ड ऑफ द डे श्रेया।
अब आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल। तो आपको 15 तक हो गया, इतना याद रखोगे सफिशियंट है ना बोला। तो एक से दो से लेकर 15 तक है। एक का क्यों नहीं पढ़ते सर? क्योंकि एक बाबू सारे नंबर को डिवाइड करता है। जैसे एक का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया जाता, क्यों सर? कोई भी नंबर ले लो, वह एक से हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। 276 डिवीजन 1 कितना हो जाएगा? 276 हो जाएगा। तो एक मेरा बाबू सारे नंबर को डिवाइड करते हैं है ना, इसीलिए एक का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, क्योंकि सबको डिवाइड करेगा तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? दो से स्टार्ट करते हैं। दो सारे नंबर को डिवाइड नहीं करता, जैसे 15 डिवीजन 2 है ना, तो 15 2 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 के टाइम 15 आता है, नहीं ना आता है, तो 7 नंबर को नहीं डिवाइड करेगा है ना। तो अब हम लोग शांति से सुनेंगे, 20 मिनट सुन लो, समझ में आ जाएगा आदित्य स्वरूप। जिस जिस बच्चे का छूट गया है समझ में आ जाएगा है ना। तो बारी बारी से बाबू हम लोग चेक करेंगे कि नहीं बाबू शिवराज। एरी सिने अनाउन करो जी। ठीक, देखो बाबू कैसे करो। ए तथागत तथागत शैतान, इधर उधर नहीं करना बाबू। आज वसुधा कहाँ गई जी? चलो बाबू यहाँ पे है, मन से पढ़ना वसुधा। ठीक है बोली। तो हमको 2 से लेकर 15 तक चेक करना है। कितना चेक करना है? 2 से लेकर 15 तक। तो पहले किससे चेक करेंगे बाबू? अरे वो चेक बाई बाबू, फर्स्ट हम लोग किससे चेक करेंगे? चेक बाई बाबू 2 से। किससे? 2 से चेक करेंगे। नंबर क्या है सर? 5 3 4 7 2 है। अब शांति से सुनना है, कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होता? तो यदि नंबर के बाबू वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे, अगर 2 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, अगर कोई नंबर है बोला उसका वंस प्लेस पे बाबू 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो कहेंगे क्या 2 डिविजिबल है? तो यूनिट प्लेस पे 2 है ना सर, तो ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, हाँ बात तो समझ में आता। ठीक, शांति से भी लिखना नहीं है, लिखोगे सरस्वती जी बाबू आ गए हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। जो जो बच्चा लिखेगा सरस्वती जी बाबू बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। लिखो अपना कैसे लिखते हो, कैसे मत वीडियो ऑन करो। ये तथागत नेक्स्ट, तो 2 से क्या है सर? डिविजिबल है, हो गया। दूसरा नंबर में डिविजिबिलिटी बाई 3 करेंगे, चेक बाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे। दिए गए नंबर को किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। नंबर कौन सा दिया हुआ है? 5 3 4 7 2 दिया हुआ है ना। ठीक सर, तो आपको तो एगो तरीका बताए थे बाबू, क्या कटपिट करके डायरेक्ट कट कट करो, लेकिन यहाँ छोटा नंबर बाबू, तो छोटा नंबर को कट करने से बाबू क्या होता है, ऐड करना आसान हो जाता है। तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, जो भी डिजिट है उसको ऐड कर दो आदित्य स्वरूप। 5 + 3 आदित्य स्वरूप +4 + 7 + 2। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर? सारे नंबर जो दिए हुए उसके डिजिट को ऐड कर देंगे। एक शॉर्टकट तरीका मैं बताया था, वो कट 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 कट। बटन चल ठीक तो रहा है। है ना बाबू, नेक्स्ट बोला। तो एक शॉर्टकट तरीका बताए थे बोला, और ये आपको बाबू क्या है, और एक तरीका आपके क्या है, डिजिट का सम करो है ना। तो जो भी डिजिट का सम रहेगा, अगर सम करने के बाद बाबू 3 के नंबर वाला टेबल प्रेजेंट है सर, तो कहेंगे बाबू 3 से डिविजिबल, अगर नहीं है तो कहेंगे 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 3 मम्मी कितना पढ़ाई थी? 8, 8 + 4 12, 12 + 7 12 + 7 13 14 15 16 18 19, 19 + 2 21, ऐड करेंगे तो कितना आ गया सर? 21, 7 2 9 4 13, 13 8 21 हो गया। अब सोचो 21 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सारे डिजिट को ऐड कर देंगे, आ देखेंगे बाबू। तो 21 3 के टेबल में आता है, सोचो सोचो। हाँ सर मम्मी तो पढ़ाई थी, 3 से बन जाए 21 होता है, तो ये बाबू 3 के टेबल में आ जाता है ना, तो ये नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा है ना। ठीक बोलो। ऐसी बाबू क्वेश्चन मिलेगा, इसी तरह से करना है, ऐसी नहीं खाली टिक 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 नहीं मारना है, नहीं तो वो कूट देंगे। बहुत सारा बच्चा वो क्वेश्चन देता है खाली टिक 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 मार देता है, इतना बाबू तेज हो गया। चेक बाबू बाबू 3 के बाद किससे चेक करेंगे? चेक बाय बाबू 4। 3 से बाद किसके चेक करेंगे? 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भोला शिवांश? 4 7 2 है।
कोई भी नंबर है बाबू, तो चार से डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट का दो डिजिट चेक करेंगे। 5 3 4 7 2 है, तो लास्ट का दो डिजिट देख लो। अगर लास्ट का दो डिजिट बाबू 4 से डिवाइड होगा तो हम लोग कहेंगे दिया गया नंबर क्या 4 से डिविजिट। इतना बड़ा नंबर को नहीं चेक करना। अगर 4 से डिविजिबिलिटी तो लास्ट का कई डिजिट चेक करना है, दुइये को डिजिट चेक करेंगे। तो लास्ट का दो डिजिट कौन सा बाबू, है ना 42 है। लास्ट का दो डिजिट कौन है बाबू, 42 है ना। ठीक सर, सौम्य शैतान क्या कर रहे हो जी। तो लास्ट का दो डिजिट चेक कर लेंगे, 72 है। अब 72 चेक करो, 4 के टेबल में आता है तो हमको नहीं पता, तो नहीं पता बाबू तो 4 से 72 को डिवाइड करना। 4 1 जा 4 बोला 3 हो गया, फिर 2 आ जाएगा, 4 8 जा 32 जीरो हो गया। मतलब लास्ट का जो दो को डिजिट है बाबू, है ना 4 से डिवाइड हो रहा है ना जी, दुइये डिजिट चेक ऐसा बाबू 8 5 जा कितना होता है 72 होता, तो टेबल याद रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये बाबू 4 से क्या है, डिविजिबल है। 4 से क्या बोला, डिविजिबल है। नेक्स्ट बाबू किससे चेक करेंगे, 5 से। चेक बाई क्या करेंगे, जैसे बोर्ड पे लिखा है उसी तरह लिखना। अब चेक बाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे, चेक बाई 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है जी, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाबू कि यूनिट डिजिट पे 0 और 5 होना चाहिए। 5 3 4 7 2 है, 5 से कोई भी नंबर डिविजिट डिविजिबल कब होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 0 और क्या रहेगा 5 रहेगा। तो यूनिट प्लेस पे बाबू ना ही 0 है ना 5 है, कोई नहीं ना जी। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है सर, अगर नंबर 2 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 से है सर, हाँ सर, 3 से है सर, हाँ सर, 6 से चेक करेंगे किससे बाबू, 6 से। 5 नंबर में किससे चेक करेंगे, चेक बाय 6 बाबू, किससे करेंगे दीप्तांशु, 6 से चेक करेंगे। तो 6 से चेक करने के लिए भोला बाबू 5 3 4 7 2। 6 से हम लोग कैसे चेक करेंगे, 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर दिया गया नंबर बाबू 2 से और 3 से डिविजिबल है, भोला दिया गया नंबर बाबू 2 से और 3 से अगर डिविजिबल है तो कहेंगे 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, यही ना होता है जी। हाँ सर, दिया गया नंबर को हम लोग किससे चेक करेंगे, 2 से 3 से। तो 5 3 4 7 2 2 से है सर, हाँ सर, 3 से है सर, हाँ सर, तो दोनों से है ना। तो ये 2 से भी है भोला और 3 से भी है बाबू, तो ये 6 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद 7 से करेंगे, किसका करेंगे 7 से। लिखो अब आप लोग, लिखो श्रेया, कौन कौन बच्चा नहीं है जी, लिख तथागत के मम्मी लिखेगी, बेचारा का हाथ फ्रैक्चर हो गया। काय बाबू आराध्या सिन्हा काय गप करेगी, अथर्व तिवारी लिखो जी, वसुधा बाबू लिखे बोली, सारा बच्चा लिखे आराम से लिखो। मयंक शेखर वो शैतान छटपटाई तेरा था जी, मयंक बाबू बोला, मयंक बाबू लिखिए चुपचाप, चलो ठीक है बैठ रहा, लिखो लिखो जल्दी लिखो मयंक। हे ओमकार बाबू कहाँ गया जी ओमकार, हाँ लिखो बोला छोटा बोला, अब बाबू बड़ा बोला, प्रतीक आकांक्षा आदित्य स्वरूप दर्शन दो बाबू, आई रूपेश कहाँ रह गया भोला मेरा, ये तथागत हाथ टूट गया बाबू फिर भी व्हाट्सएप खोल ले जी, हाथ करता है जी तथागत, वीडियो ऑन करो बाबू, समृद्ध है और रूपेश भोला, यही हो रहा है सम्राट समर्थ शैतान डांस चल रहा है जी, ठंडा आ गया जी कोट पहने हुए जी।
जल्दी लिखे बाबू। तो ये बाबू एक से दो से लेकर 15 तक बोला, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद एचसीएफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ पढ़ेंगे। हाँ मैम, नमस्ते मैम, भोला का क्लास मैम। अच्छा, ज्वाइन नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, उसका कल। हाँ हाँ लिख लिया मेरा बच्चा? हाँ सर, सारे बच्चे लिख लिए। देखो बाबू आगे क्या आदित्य स्वरूप। ए सिमरन शैतान, वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, जो जो शैतान बच्चा उसको पिटाई खोजेगा, जैसे सिमरन भी अब धीरे धीरे हो गई है, मार डंटा ये सबको बाबू है ना कोट देने खोजता। 4 से हो गया सर, 5 6 से हो गया सर, 7 से डिविजिबिलिटी रूल। किससे? 7 से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता बाबू? दिया गया नंबर में बाबू हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिए गए नंबर में कितना से मल्टीप्लाई? चेक बाई 7। किससे चेक करेंगे बाबू? 7 से चेक करेंगे। चेक बाई बाबू 7 करेंगे। क्या करेंगे? 7 से चेक करेंगे। आ जल्दी को जल्दी, चेक बाई बाबू किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 5 3 4 7 2 है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे बाबू। क्या करा वसुधा बाबू? आप भाई भाव बहुत उछल कूद कर ला वसुधा भाई भाव। चलो ठीक है वसुधा। हाँ बाबू ठीक है। अब वैष्णवी भाई भाव बहुत उछल कूद कर रही, बोली एक छड़ी बोली बाबू। देखो चेक भाई क्या है? 7 है, तो 7 से चेक कैसे करेंगे? 5 4 3 7 2। तो 7 से चेक करने का नियम जानते हो क्या हो? लास्ट वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना। लास्ट का जो नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लास्ट वाला नंबर, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा भोला? 4 हो जाएगा, है ना? ठीक सर। जो नंबर बच गया 5 3 4 7 बच गया, होमवर्क देंगे आपको इसी तरह से करना है। जहां जो बाबू हवा में किया तो बाबू कूट देंगे पकड़ के सैतान। जितना सारा रूल लिखा है बाबू, मान लो तथा एक दो बच्चा का छूटा हुआ तो ठीक है, तथागत है ना, हो जाएगा, दोपहर में कवर करवा देंगे।
शैतान वीडियो ऑन करो। तो लास्ट वाले नंबर में टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर हो गया। जो नंबर बच गया 5347 में मल्टीप्लाई करने के बाद है, उसको घटा देंगे। ये थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब ये नंबर सेवन से डिविजुअल है कि नहीं, हमरा के नहीं पता चल रहा है। तो नहीं पता चल रहा है ननिया, तो यही मशीन बार बार चलाते चलो। फिर से बाबू क्या करो, अगेन करेंगे 5343 है ना। जब तक बाबू सेम स्टेप रिपीट करते रहेंगे, जब तक बाबू सात से डिवाइड होने वाला नंबर ना मिल जाए। फिर इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है समर्थ, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स करना समृद्ध। नंबर बच गया 5 3 4, सिक्स घटा देंगे। 10 में 6 जाएगा कितना, 4। ये एक कैरी देगा तो 2 और 5। अब 5 2 4 7 से डिविजुअल होगा, हमरा नहीं पता चल रहा है। तो नहीं पता चल रहा है भोला, तो फिर से एक बार इसको आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को। जब तक आपको ये बाबू लास्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते, जब तक बाबू आपको 7 से डिविजुअल बाबू, या आपको पता चल जाए कि अब 7 से डिविजुअल नहीं होगा, फिर से करेंगे भोला, अगेन करेंगे बाबू मेरे। तो 7 का सबसे बड़ा होता है 5 2 4 है। फिर लास्ट वाले नंबर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने मन से 2 से करना। ये यूनिट प्लस वाला नंबर में 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नंबर बच गया 52, 8 घटा दो तो 12 में से 8 गया 4, आई 44 हो गया। क्या आ गया, 44 आ गया। आप तो बता सकते ना बाबू, 7 के टेबल में 44 आता है, सोचो। आप तो बता सकते ना 7 के टेबल में 44 आता है कि नहीं आता है। सिमरन बाबू आपको बाबू बेटिंग रूम में डाल रहे हैं, ये सब शैतान पढ़ के पीछे बाबू बैठल रहती है ये सब खाली। ठीक, 7 के टेबल में 44 आता है, डांस करो। 7 1 7 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। नहीं आता, नहीं आता मतलब बाबू क्या होगा, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। हाँ सर, जिसको नहीं समझ में आया फिर से शांति से। ठीक ठीक बाबू, नेक्स्ट भोला, चेक बाय 8। 8 से डिविजिबिलिटी क्या करता है बाबू, 5 3 4 7 2 है। 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का कई डिजिट, 3 डिजिट। 8 से डिविजिट 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, है ना। 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, लास्ट का 3 डिजिट। अगर लास्ट का 3 डिजिट बाबू डिवाइड हो रहा है तो दिया गया नंबर 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा सर, है ना बाबू। अदिति अब अधिराज कहाँ गया, तो लास्ट का 3 डिजिट 4 7 2 है, इसको 8 से डिवाइड करो। अब 4 7 2 है सर, तो हमारा नहीं ना पता है सर कि 8 से नहीं कटेगा, हम तो बच्चा है मन का सच्चा। तो तीन डिजिट को डिवाइड करना, 8 5 जा कितना 47 हो गया, 2 हो गया, 8 9 जा 72 हो गया, 0 रिमाइंडर 0 आ गया ना। ऑल्सो हम पूरा डिवाइड नहीं किए, लास्ट का 3 डिजिट करेंगे डिवाइड। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट करेंगे, है ना। 3 डिजिट किए लास्ट का, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये क्या 8 से डिविजिबल है, मतलब ये क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, है ना। ठीक सर, 9 से डिविजिबिलिटी सर, हम लोग 9 से चेक करेंगे, चेक बाय 9 बोला, चेक बाय 9। एक क्वेश्चन रहेगा भोला, इसी तरह से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, समझे। चेक बाय 9 मेरा भोला कैसे करेगा बच्चा, है ना, नंबर लिखेगा 5 3 4 7 2, है ना। ठीक सर, है ना, है ना, आगे बढ़ो। अब 9 से चेक कैसे करेंगे भोला मेरा, तो 9 से डिजिट चेक करने का क्या तरीका सर, डिजिट का सम है। 9 से चेक करने का तरीका क्या सर, डिजिट का सम है, यही है ना। तो 5 है शिवांश, प्लस 3 है, प्लस 4 है, प्लस 7 है, और प्लस 2 है ना। ठीक सर, है ना। नेक्स्ट बाबू, हाँ बोली,
अच्छा देखते हैं भोले। टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर हो गया, सेवन में थ्री हो गया, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, फाइव फोर थ्री सेवन है। अच्छा ये घटने के बाद थ्री आ गया बाबू मेरे, फाइव फोर थ्री फोर आ गया, इसको सिक्स से करेंगे तो ये फाइव टू फोर हो गया। अब फोर फाइव टू फोर में टू से मल एट हो जाएगा तो 52, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट भोला, अब इसको क्या करोगे बाबू, ऐड करोगे, फाइव थ्री एट और एट अप फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व सेवन है ना बाबू, 1921, तो 21 आ गया शिवांश। तो सोचो थ्री के टेबल में 21 आता है, सोचो बल्कि नाइन के टेबल में, नाइन के टेबल में 21 आता है, कौन आता है, नाइन टू जाए 18, नाइन थ्री जाए 27, नहीं ना आता, तो ये नाइन से डिविजिबल नहीं होगा है ना। ठीक सर, अब आप लोग लिखो, नाइन से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट भोला, तो ये जितना भी था 15 तक बाबू सारा आपको बता दिया था ना, ऑन करो जी, लिखो शिवांश। हाँ जी, हाँ जी लिखिए। हाँ बोलिए। सर सेवन का वो चेक बाय सेवन जो है वो गलत है सर, माइनस के उसमें। अच्छा कैसे, सात में चार जाए, अच्छा कैसे गलत है जी, सात में चार जाएगा तो तीन ना होगा जी। सिक्स में यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए बाबू, थोड़ा सा बाबू गलत हो जाता भोला है ना बाबू, ये हो गया फाइव थ्री फोर और सिक्स घटाएंगे तो एट हो जाएगा ना, 14 में सिक्स जाएगा एट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लो थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला कौन सा है बाबू, है ना, नाइन तक पहुंच गए, टेन है भोला, क्या है, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, है ना। हाँ सर जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट बोला टेन से, नेक्स्ट बच्चा क्या करेगा, टेन करेगा, इलेवन में गोला बनाएंगे मेरे भोला, जल्दी लिखो, तनय वीडियो ऑन करो जी, तनय बाबू वीडियो ऑन कीजिए। अब अभिनय बाबू ऑन करो जी, वीडियो बंद रहेगा, सिमरन बोलिए क्लास से बाहर कर दिए जाओगे, सिंसियर होकर क्लास करना, जिस बच्चे का बंद रहेगा क्लास से सीधे बाहर, जल्दी लिखे इसको। हाँ
जल्दी लिखो दुर्गा। दुर्गा गप करने में लगी है जी। दुर्गा डर भाई नहीं है जी। ऋषि नयन, चलो ठीक है, लिख लिया मेरा बच्चा। नेक्स्ट बाबू, चेक भाई क्या करेंगे? टेन करेंगे। तो टेन से डिविजिबिलिटी क्या है सर? आसान है। क्या आसान है? अगला नंबर, चेक भाई क्या करेंगे? टेन करेंगे। तो टेन से डिविजिबिलिटी क्या है सर? कि जिस नंबर के लास्ट में जीरो तथागत है ना, 5 3 4 7 2 है, यदि लास्ट पे जीरो रहेगा तो कहेंगे 10 से डिवाइड है, नहीं है तो नहीं, तो जीरो नहीं ना है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से नहीं कटेगा। हो गया। नेक्स्ट इजी है, 10 सबसे आसान, 10 का 5 का, ये सबका आसान है। 5 में 0 5 रहेगा, लास्ट डिजिट तो होगा, 10 में लास्ट में 0 रहेगा तो होगा। नेक्स्ट बोला, चेक भाई बाबू किससे है ना, 11 से। तो 11 से चेक करने का तरीका आपको बताए हैं। पहला को गोला लगाना, फिर एक एक डिजिट छोड़ के गोला लगाना, मतलब क्या सर? 5 3 4 7 2, पहला गोला फिर एक डिजिट छोड़ के दूसरा गोला, एक डिजिट छोड़ के दूसरा गोला, सारे गोले को ऐड करो और बिना गोला वाला को भी ऐड करना मेरे भोला। तो गोला को ऐड करेंगे भोला, मतलब कितना सर? गोले वाले को ऐड करेंगे भोला, 5 प्लस 4, गोला को ऐड करोगे ना भोला, गोले वाले नंबर को, 5 8 2 10, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 2 11 हो जाएगा। बिना गोला वाला भी नंबर को ऐड करना भोला, बिना गोला वाला नंबर को भी ऐड करना रहता है, सिर्फ 4 7 प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद इसको सबट्रैक्ट करना रहेगा, 1 आ जाएगा। अगर सबट्रैक्ट करने के बाद बाबू क्या आ जाए? 0 आ जाए, चाहे 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए, तो कहेंगे बाबू मेरा क्या है? 11 से डिविजिबल होगा, 1 आ गया ऑल्सो, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है तथागत। अभी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता होगा तथागत, है ना? टेंशन नहीं लेना है, जब न्यू चैप्टर शुरू करेंगे कल से बाबू तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 12 से बाबू, तो 12 से मेरा चेक कैसे करेगा बच्चा? चेक बाय बाबू 12, फाइव थ्री 4 7 2 है, तो 12 से चेक करने का नियम क्या? भोला मेरे गोला, 3 से है और क्या है? 4 से। जो नंबर 3 से होगा 4 से होगा, वही क्या होगा? 12 से होगा। तो 3 से तो बताइए दिए, 3 से डिवाइड है, पीछे देखो कॉपी मेरे भोले बना के गोले, है ना सरभ्या? 3 से है सरभ्या? हाँ सर 3 से है। 4 से है सर? पीछे बताइए कि हाँ सर। तो 3 4 दोनों से, तो ये 12 से हो जाएगा सरभ्या। और बाबू SCF, बाबू सरभ्या थर्ब शैतान, आपके अपने SCF वाला बुक में जो है बाबू, बुक में SCF उसका फोटो खींच के भेज देना, एक बार भेजे थे फिर से रिसेंड कर देना, SCF पढ़ाएंगे कल हम लोग। SCF पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? SCF पढ़ेंगे, 3 4 मेथड होते हैं। चेक बाय बाबू 13, बच्चा मेरा किससे चेक करेगा? 13 से चेक करेगा, है ना? ठीक सर। तो 13 से चेक करने का नियम क्या बताए थे सर? याद है बाबू? कल ही तो बताए हैं, परसों बताए थे, है ना? ठीक सर। लास्ट वाले नंबर में कितना से मल्टीप्लाई करना? 2 से। लास्ट वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। चेक बाई 13 कैसे करेंगे? लास्ट डिजिट वाले नंबर 4 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर बच गया उसमें ऐड करो, 5 3 4 7 और 8 को ऐड कर देंगे, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, है ना? ठीक बाबू। हाँ जी, वो भी करवाएंगे धीरे धीरे, सब होगा, टेंशन काहे लेते हो, पेशेंस रखे, सब होगा। अच्छा ठीक है, सब होगा सब होगा, आपका 2 2 घंटा का क्लास है, सब होगा।
नेक्स्ट, और 13 से कैसे करेंगे सर? लास्ट वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 होगा, ऐड कर दो। अब ये नंबर 13 से डिविजिबल है, हमारा नहीं पता चल रहा है, तो नहीं पता चल रहा है तो फिर से एक बार आप प्रोसेस अप्लाई करो, एक बार फिर से करेंगे 5355। लास्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे तनय शैतान? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आएगा ना? ठीक सर, नंबर जो बच गया उसमें 20 ऐड करो, 535 और 20 बोला, कितना हो जाएगा? प्लस करोगे 5555 हो जाएगा। अभी भी तो हमको नहीं पता चल रहा सर 13 से डिविजुअल होगा, तो फिर से एक बार करना आपको, जब तक प्रोसेस करना बाबू, जब तक बोला 13 से डिवाइड होने वाला टेबल नहीं आ जाए, फिर से करना, अगेन बोला, क्या करोगे? 555 है, ऐड करने के बाद 55 आया ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन बोला, 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 50 में ऐड करो, 55 और 20 ऐड करेंगे, 75 हो जाएगा बोला। 75 बाबू 13 के टेबल में नहीं ना आता सर, 75 बोला, 13 के टेबल में कहाँ आता है? मतलब यह नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा, 13 से डिविजिबल नहीं होगा। अरे बाबू 75 नहीं ना आता है, मतलब ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा। लिखिए, दो गो और बचा, तो एक क्वेश्चन बोला एक पेज में, मेरा बच्चा का कितना अच्छा लग रहा, एक क्वेश्चन दो पेज में हुआ होगा कि नहीं लवण्या? आए खुश है लवण्या, लिखो बोली जियो है ना, तो नॉर्मल बच्चा इतना नहीं करता बाबू, मेरा बच्चा सब सूरवीर है, कितना हूं बड़ा क्वेश्चन दे दीजिए सब कर लेता, देखो तो लवण्या खुश है बाप बोली, अब भर देंगे बाबू झोली भोली, लगेगा अभी बाबू, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, नेक्स्ट बोला 14 14 14 14 का टेबल, 14 14 14 का कहा सर? 2 से और 7 से, कल ही बताएं ताजा ताजा, 14 का क्या है सर? 2 से और 7 से, हाँ जी, जल्दी लिखो, जल्दी करो, बच्चा मन का सच्चा काम करे अच्छा, जल्दी से क्वेश्चन लिखो मेरे लाल, कर के कमाल, चेक बाई फोर्टीन, 15 15 15 15 चेक बाई 14, कितना पेज हुआ? 3 पेज हो गया होगा है ना, चेक बाई 14 कितना? 5 3 4 7 2, तब 14 से होगा कि नहीं होगा? तो 5 3 7 4 2, 14 से कैसे करेंगे? 2 से चेक करेंगे सर, और 7 से चेक करेंगे, यही करेंगे ना, तो 2 से भी कर लिए हैं, 7 से भी कर लिए हैं, 2 से है सर, हाँ सर, 7 से है सर, ना सर, 2 से है, 7 से नहीं ना है, तो ये 14 से नहीं होगा। अरे 7 का भी चेक किए हैं ना जी, पीछे देखो ना जी, चेक वाइज 7 में, तो 7 से नहीं कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, देखो से नहीं कट रहा है, तो 14 से नहीं कटेगा, चेक बाई 15 चेक बाई 15 चेक बाई 15, तो बच्चा चेक बाई 15, 15 में किस से? 3 से, 5 से, 3 से, 5 से, 5 3 4 7 2, तो 5 3 4 7 2, 15 में किस से चेक करेंगे? 3 से और 5 से देखेंगे,
अगर थ्री से कटेगा तो कहेंगे कट जाएगा, और 3 5 दोनों से कटेगा तो कहेंगे 15 से कटेगा बाबू अकर्ष। अब बाबू अकर्ष आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो 3 से तो कट रहा था सर, अब 15 से तो 5 से नहीं ना कट रहा था, तो 15 से आपका 5 से नहीं कटा, मतलब 15 से नहीं कटेगा कि नहीं तथागत। तो इस तरह से बाबू एक आपको 2 से लेकर डिविडेंड रूल 15 तक करवा दिए, है ना। इससे ज्यादा आपको पृथ्वी पे कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा आपको बाबू 6 7 स्कूल में पढ़ाया जाएगा, वो 10 तक मैक्सिमम पढ़ाया जाता है, जिसमें 7 वाला गायब कर दिया जाता है। 7 वाला आपको बताया जाता है वो कि टफ होता है, आपको नहीं पढ़ाया जाता। आपको बाबू हमने 15 तक बता दिया शिवराज, है ना। बोला नेक्स्ट, अब एक वो क्वेश्चन देते, इसी तरह से बनाना सारे बच्चे को बैठ के कि नहीं, 2 से लेकर 15 तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी आधा घंटा बैठ के आराम से बना लेना है। आ जहां जो बाबू जल्दी जल्दी ने टिक मारा, एक्सप्लेन कर करके बनाना, आराम से आधा घंटा बैठ जाओ, जब तक बैच ए वाले को पढ़ाएंगे, है ना। 173 नंबर, चेक द, तो एक क्वेश्चन में बाबू पूरा क्लास, चेक द डिविजिबिलिटी बाई 2 से लेकर 15 तक ऑफ। आसान नंबर देते हैं बाबू, 5 डिजिट का था, 4 डिजिट का देते हैं ऑफ बाबू। 3 7 बोला 4 0, इसी का देते हैं बाबू, 4 डिजिट देते ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ा सा। ये आसान है, 5 डिजिट में बड़ा है, 4 डिजिट का बाबू आसान है आपको, है ना। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप करते चलना है, अभी आधा घंटा बैठ कर कर लो, अभी बैच ए वाले को पढ़ाना है। अब ये करके बाबू जो भी लिखे वो सारा भेजना है लिख के, जिसका नहीं रहेगा भेजा वो बाबू कूट देंगे।